न्यूज व्यूज के फेसबुक लाइव में और अभी हम बात करने जा रहे हैं इरफान खान से जुड़े एक बहुत ही बड़े खुलासे के बारे में। आप सबको पता है कि इरफान खान ने कुछ दिनों पहले अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको एक अलग तरीके की बीमारी हो गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो जल्द ही इस चीज़ का खुलासा करेंगे। उन्होंने 10 दिनों की मोहलत मांगी थी कि जिस तरीके से उनकी जो बीमारी हुई है उसका प्रॉपर डायग्नोज हो जाता है तो वो दुनिया के सामने खुद लेकर के आएंगे उस बीमारी के बारे में। अभी कुछ देर पहले इरफान खान ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बताया है। मैं आपको बता दूं, इस बीमारी का नाम है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बीमारी होती क्या है। ये बीमारी आम लोगों को होती है, ये बीमारी बहुत ही आम है, लेकिन अगर ये शरीर के किसी अंग में फैल जाए तो ये घातक साबित हो सकती है। बेसिकली ये जो बीमारी है ये इंटेस्टाइन में होती है और धीरे धीरे फैल करके जब इसका जो भी वायरस है वो फैलता है तो ये ट्यूमर बन जाता है और फिर उसके वजह से कैंसर होने की भी शंका रहती है। लेकिन अभी तक इस बारे में इरफान खान ने खुल के कुछ नहीं बताया है कि आगे का क्या प्रोसीजर होने वाला है, क्या वो ट्रीटमेंट के लिए कहीं बाहर जाएंगे या कुछ करेंगे, लेकिन फैक्ट्स उन्होंने कुछ भी अभी तक तथ्य सामने नहीं रखे हैं। फिलहाल उन्होंने बस एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम न्यूरो एंडोक्राइन। मेरे पास यहाँ पे ट्वीट है उनका, मैं एक बार पढ़ के सुनाऊंगा आपको। एक्टर इरफान खान टुक टू ट्विटर टू रिवील दैट ही हैज बीन डायग्नोज विद न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर विच मोस्ट कॉमनली ऑकर्स इन द इंटेस्टाइन बट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने बताया कि बहुत ही कॉमन बीमारी है लेकिन किसी अगर अंग में फैल जाए तो ये घातक साबित हो सकती है। The journey of this is taking me out of the country and I request everyone to continue sending their wishes. उन्होंने बस ये कहा है कि हम सारे लोग, आम जन जितने भी लोग हैं, वो उनके इस बीमारी से जल्दी ठीक होने के लिए उनको well wishes दें और उनको जिससे वो जल्दी से जल्दी वो अपना जो भी है इस बीमारी से आगे बढ़ सकें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।